मान गए बाहुबली, सीमित संसाधनों के साथ उतार ही दिया जन्नत। जी हाँ, ये नजारा आप देख रहे हैं, ये नजारा है सरायकेला जिले के आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल का। जैसा कि आपको याद ही होगा कि कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइन मानने को लेकर पूजा कमेटियों और जिला प्रशासन के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था, जहां कई पूजा कमेटियों के आयोजकों ने पूजा नहीं करने तक की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन अंततः पूजा कमेटियों ने सरकारी आदेश के तहत पूजा करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल आम भक्तों के लिए खुल चुका है, जहां सरकारी आदेशों को मानने की बाध्यता रहेगी। इसको लेकर आयोजकों की ओर से खास प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं पंडाल देखने पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। वहीं आयोजकों की ओर से सरकारी नियमों को मानते हुए पंडाल के आसपास भीड़ नहीं करने की अपील की गई। आपको बता दें, जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस साल उस नज़ारे का श्रद्धालु आनंद नहीं ले सकेंगे। वैसे निश्चित तौर पर आयोजकों ने इस बार कोविड-19 से बचने को लेकर जितने भी उपाय सरकार की ओर से सुझाए गए थे, उन सभी का पालन किया है। ऐसा यहाँ पहुँचने वाले दर्शकों के अलावा सैलानियों का भी मानना है। कम बजट और कम संसाधन के साथ बने इस पंडाल की खूबसूरती भी कम नहीं है। हालांकि भक्तों एवं श्रद्धालुओं को इस साल थोड़ी मायूसी जरूर हो रही है, लेकिन आयोजकों ने सीमित संसाधनों और कानूनी बाध्यताओं के बीच भक्तों के लिए अनूठा पंडाल बनाया है। आपको बता दें, इस पूजा कमेटी के संरक्षक ईचागढ़ के पूर्व विधायक रहे अरविंद सिंह हैं। उन्होंने भक्तों से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए माता का दर्शन करने की अपील की है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। सुंदर पंडाल बना, अगर नहीं बनता तो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता है। हमको बहुत इस कोरोना काल में करते हैं पूजा में। मलखान सिंह का पंडाल बहुत नामी है, बहुत अच्छा है। हम यही लोकल के हैं। कोरोना के देखते हुए बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है यहाँ, बहुत अच्छा। इस बार क्या खास देख रहे हैं पंडाल में? बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा पंडाल है, बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पूरा सैनिटाइजेशन का व्यवस्था किया गया है, बहुत अच्छे से पूरा व्यवस्था किया गया है। एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है पंडाल में, तो सब कुछ देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं अभी पूरा खुले में एकदम बना हुआ है, पूरा सैनिटाइजेशन का। कोई भी मतलब जाएंगे तो पहले सैनिटाइज हो जाएगा, उसके बाद ही जाएगा। मास्क पहन के जाइए, पूरा सैनिटाइज होके जाइए। कोरोना को देखते हुए एकदम सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, पास पास खड़ा नहीं होना है, दूर होकर के रहना है। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है।